हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी की तैयारी अब 2K23 में बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास में एग्जाम की डेट भी सामने है। सो इसलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ऑडियो बुक्स आप लोगों की बहुत मदद कर रही होंगी रिवीजन करने में। आप लोग इसको किस तरह से सुनते हैं और किस तरह से आप इन ऑडियो बुक्स को यूज़ करते हैं, क्या उस टाइम पे एनसीईआरटी भी रखते हैं या फिर डायरेक्टली सिर्फ उनको सुनते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी इसके बारे में पता चल सके कि क्या बेहतर तरीका है एनसीईआरटी को रिवाइज करने का। इसके साथ ही साथ जो चैप्टर्स की ऑडियो बुक आप लोग पहले चाहते हैं, वो भी आप मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली मैं बना तो आप सभी के लिए ही रही हूँ ये ऑडियो बुक। तो जिनकी आपको पहले ज़रूरत है, मैं उन ऑडियो बुक्स को पहले प्रिपेयर करूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑडियो बुक्स वाकई में आपकी हेल्प करती हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और, आप लोग मेरे 1 मिनट बायोलॉजी की वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें 1 मिनट में मैंने वो कॉन्सेप्ट्स शेयर किए हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं पे बेस्ड वही क्वेश्चंस आते हैं। तो उन टॉपिक्स को मैंने पहले कवर करने की कोशिश की है, तो उन 1 मिनट बायोलॉजी के वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आपके साथ में और शुरू करते हैं हम अपनी ऑडियो बुक को। दैट इज़ अध्याय 5, पुष्पी पादपों की आकारिकी। यद्यपि एंजियोस्पर्म के आकार की अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियाँ होती हैं। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। चित्र 5.1, ये आपका चित्र 5.1 है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट शो किए गए हैं। 5.1 मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं, इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। चित्र 5.2 बा, चित्र 5.2 आप देख सकते हैं। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। चित्र 5.2 सा। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे के को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। 5.1.1 मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तप रक्षा करता है, जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें बार बार विभाजन होता है और इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएँ शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल कुछ लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है और इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। 5.1 भी आपने देख लिया, चित्र 5.2 का आ, बा और सा तीनों टाइप की मूल आप देख सकते हैं। चित्र 5.3 आप मूल शीर्ष के क्षेत्र देख सकते हैं, डिफरेंट रीजन। 5.1.2 मूल के रूपांतरण। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवणों के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है।
वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए और अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको कभी देख करके आश्चर्य हुआ कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएँ क्या उसे सहारा देती हैं? इन्हें प्रॉप रूट यानी सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं। इन्हें अवस्तब मूल कहते हैं। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्र में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। 5.2 तना। ऐसे कौन से भी लक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ तथा अथवा कक्षीय हो सकती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठी तथा गहरा भूरा हो जाता है। यहाँ 5.4 में आप बरगद के वृक्ष को सहारा देने के लिए मूल के रूपांतरण को देख सकते हैं। 5.5 में आप डिफरेंट टाइप्स के मूल देख सकते हैं। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के कार्य भी संपन्न करते हैं। 5.2.1 तने का रूपांतरण। तने सदैव आशा के अनुसार प्ररूपी नहीं होते। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय काली से निकलते हैं पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे घिया, खीरा, तरबूज आदि, तथा अंगूर, लता, वाइन। तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती हैं। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं जैसे सिट्रस, बोगनवेलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपेंशिया, कैक्टस अथवा गुदेदार सिलिंड्रिकाकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधों के भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति जिसमें फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं। पिस्टिया तथा एकोनिया जैसे कली पादपों में एक पार्श्वी शाखा निकलती है जिसकी पोरियाँ छोटी होती हैं और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा तथा क्रेजेंथिमम यानी गुलदाउदी में पार्श्वी शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप में वृद्धि करती हैं और उसके बाद बाहर निकल आती हैं, पत्तियों युक्त प्ररोह बनाती हैं। 5.6 आप देख सकते हैं सभी टाइप के डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 5.3 पत्ती। पत्ती पार्श्वी चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्ररूपी पत्ती के तीन भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णव्रत तथा स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा तथा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णव्रतंतल्प यानी पल्वाइनस कहते हैं। पर्णव्रंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा पतला लचीला पर्णव्रंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। 5.3.1 शिरा विन्यास।
पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएं इस तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.7 बा, यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। 5.7 चित्र सा, यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दोनों टाइप के शिलान्यास दिख रहे हैं। 5.3.2 पत्ती के प्रकार, जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णव्रत के कक्ष में कली होती है लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष यानी एक्सिस जो मध्य शिरा के रूप में होती हैं पर स्थित होते हैं, इसका उदाहरण नीम है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णव्रंत की चोटी से जुड़े रहते हैं, उदाहरणतः सिल्क कॉटन वृक्ष। ये दोनों आप देख सकते हैं। 5.3.3 पर्ण विन्यास, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। यह प्रायः तीन प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है, उदाहरणतः गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है, इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस यानी आग और अमरूद। यदि एक ही गांठ से पर दो पत्ती अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं तो उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं, जैसे एल्स्टोनिया। 5.3.4 पत्ती के रूपांतरण, पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में जैसे मटर और रक्षा के लिए शूल में जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। इन पौधों में पर्णव्रंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट एटसेट्रा। 5.4 पुष्पक्रम, फूल एक रूपांतरित प्ररोह है जहाँ पर ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती हैं। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार के असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। चित्र 5.11। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है इसलिए इसे में सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं जैसा कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है। चित्र 5.12 ये देख सकते हैं आप। 5.5 पुष्प, एंजियोस्पर्म में पुष्प का एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृंत जिसे पुष्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं। ये हैं कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स तथा करोला सहायक अंग है जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा करोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज यानी परियंथ कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। सम्मिति में फूल त्रिज्या सम्मिति, नियमित तथा एक व्यास सम्मिति द्विपार्श्विक हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्या सम्मिति कहते हैं। इसका उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सम्मिति कहते हैं। इसके उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, कैसिया आदि। जब कोई फूल बीज से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त ना हो सके तो उसे असम्मिति अथवा अनियमित कहते हैं, जैसा कि केना। एक पुष्प तृतीय, चतुष्टीय, पंचतयी हो सकता है यदि उसमें अनेक उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है।
जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्प व्रंथ के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्प व्रंथ पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता हाइपोगाइनस, परिजायांगता पेरीगाइनस तथा अधिजायांगता यानी कि एपिगाइनस कहते हैं। अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है तथा अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल तथा बैंगन है। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा आधा अधोवर्ती होता है। इसके सामान्य उदाहरण है प्लम, गुलाब, आड़ू। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी के अर्पुष्पक, अमरूद तथा घिया। 5.5.1 पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में चार चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। 5.5.1.1 कैलिक्स, इससे पहले मैं आपको ये चित्र दिखा दूं। 5.13 पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति, अधोजायांगता, परिजायांगता तथा अधिजायांगता। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को वाहेदल कहते हैं। प्रायः वाहेदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त वाहेदली यानी जुड़े हुए वाहेदल अथवा पृथक वाहेदली मुक्त वाहेदल होते हैं। 5.5.1.2 कोरोला। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली तथा पृथक दली हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। पुष्प दल विन्यास पुष्प कली में उसी चक्र के अन्य इकाइयों के सापेक्ष वाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। पुष्प दल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी, वैक्सिलरी होते हैं। जब चक्र के वायदल अथवा दल के एक दूसरे के किनारों के केवल स्पर्श करते हों तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे कैलेट्रोपिस। यदि किसी दल अथवा वायदल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त होता है तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गुड़हल, भिंडी तथा कपास। यदि वायदल अथवा दल के दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसका उदाहरण केसिया, गुलमोहर, मटर, सेम में पांच दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक दो पार्श्वी और ये दो सबसे छोटे अग्रदलों कूटक को अतिव्याप्ति करते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वैक्सिलरी अथवा पैप्लियोनेसिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी तथा वैक्सिलरी एस्टिवेशन। 5.5.1.3 पुमंग। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग हैं में एक तंतु तथा एक परागकोष होता है। प्रत्येक परागकोष प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक परागकोष होते हैं। परागकोष में परागकण होते हैं। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वे स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़ हो सकते हैं। जबकि पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न यानी एपिपेटलस कहते हैं, जैसा कि बैंगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न यानी एपिफिलस कहते हैं, जैसे लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल एक संगी जैसे गुड़हल में है, अथवा दो बंडल द्विसंगी जैसे मटर में, अथवा दो से अधिक बंडल बहुसंगी जैसे सिट्रस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे कि सेल्विया तथा सरसों में। 5.5.1.4 जायांग। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बनते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे पृथक मुक्त हो सकते हैं, जैसा कि गुलाब और कमल में। इनके वियुक्तांडापी यानी एपोकार्पस कहते हैं।
जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर, तब उन्हें युक्तअंडापी यानी सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। बीजांडान्यास, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडान्यास यानी प्रेजेंटेशन कहते हैं। बीजांडान्यास यानी प्रेजेंटेशन सीमांत स्तंभीय भित्ति आधारी केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। सीमांत में प्रेजेंटेशन अंडाशय के अंदर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं जो दो कतारें बनती हैं जैसे कि मटर में। जब प्लेसेंटेशन अक्षीय होता है तो बीजांड बहुकोष्ठी कोष्ठ की अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे प्लेसेंटेशन को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय प्लेसेंटेशन में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण है क्रूसीफर, सरसों तथा आर्जेमोन। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं तो ये पुटिये नहीं होते हैं जैसे कि डायंथस तथा प्रिमरोज, तब इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडान्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी, गेंदा है। यहाँ पे आप 5.16 में डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं। फल पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषिकी यानी कि पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतरी और अंतः फल भित्ति होती है। आम तथा नारियल के फल के प्रकार को अष्टिल यानी ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। ये चित्र आप देख सकते हैं। 5.7 बीज, निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं और बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा दो चना मटर बीज पत्र होते हैं। 5.7.1 द्विबीजपत्री बीज की संरचना, बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती हैं, बाहरी को बीज चोल और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है और अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। चित्र 5.18। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है, भ्रूणपोषी है। 5.7.2 एक बीजपत्री बीज की संरचना, प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं, उदाहरणतः आर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति में संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन ग्रह संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरॉन सतह या एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है। यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र होता है जिसे स्कूटलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसे प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। चित्र 5.19 यहाँ आप देख सकते हैं। 5.8 एक प्ररूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण,
पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकार की अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति का एक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। पौधों के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को बी आर से, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, परिदलपुंज को पी से, पुमंग को ए से तथा जायाम को जी से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को जी तथा अधोवर्ती अंडाशय को जी और उसके नीचे अंडरलाइन, यहाँ ऊपर आपको ब्रैक्ट में, कैलिक्स में और कोरोला में भी नीचे अंडरलाइन होती है। नर फूल के लिए ये साइन, मादा के लिए ये साइन तथा द्विलिंगी के लिए चिन्हों से अंकित किया जा सकता है, किया जाता है। त्रिज्य समिति को इस चिन्ह से तथा एक व्यास समिति को परसेंटेज से इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं तथा आसंजन को पुष्पी चिन्हों से ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र के फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति में फूल की सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर होता है। यह सांसजन आसंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीचों को इंगित करता है। नीचे सरसों के पौधे, कुटुंब ब्रैसिकेसी के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र नीचे दिखाए गए हैं। यहाँ चित्र 5.20 आप देख सकते हैं। 5.9 कुछ महत्वपूर्ण कुलों के वर्णन, यहाँ पे आप अगर एनसीईआरटी को साथ में लेकर के देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला है फैबेसी। इस कुल को पहले पैप्लियोनेटी कहते थे। इसमें लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल था। यह सारे विश्व में पाई जाती है। कायिक अभिलक्षण है वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल, ग्रंथियों सहित मूल। तना सीधा एवं प्रतान होता है। पत्तियां सरल अथवा संयुक्त, पिक्षाकार, एकांतर, पर्णाधार, तल्पयुक्त, अनुपर्णी, जालिका, शिरा विन्यास होता है। पुष्पी अभिलक्षण में पुष्प विन्यास असीपाक्षी, फूल उभयलिंगी, एक व्यास सम्मिति, कैलिक्स वायदल 5, संयुक्त वायदली, कोरस्पर्शी, कोरछादी, पुष्पदल विन्यास, कोरोला दल 5, विमुक्त दली, पैप्लियोनियशियस, पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी स्ट्रैंडेड मानक। अगले दो पार्श्वी यानी पंख विंग तथा दो अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। पुष्प दल विन्यास वैक्सिलरी। पुमंग 10 पुंकेसर, द्विसंधि, परागकोष, द्विकोष्ठी। जायांग अंडाशय एकंडपी, ऊर्ध्ववर्ती और अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठीय, वर्तिका एकल, फल लेग्यूम, बीज एक से अधिक, अभ्रूण पोषी और पुष्पी सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पाइजम सटाइवम, मटर, पुष्पी पादप की शाखा, फूल, दल, लैंगिक अंग, अंडप के अनुदैर्घ्य काट, पुष्पी चित्र, यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं। आर्थिक महत्व इसका, इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल, सोयाबीन, मूंगफली, रंग, नील, तंतु, सनई, चारा, संस्वेनिया, ट्राइफोलियम, सजावटी फूल, ल्यूपिन, स्वीपी औषधि में मुलेटी के स्रोत हैं। 5.9.2 सोलेनेसी, ये एक बड़ा कुल है, प्राय इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले हुए रहते हैं। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। कायिक अभिलक्षण, इसके पौधे प्राय शाकीय झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना शाकी, कभी कभी काष्ठी, वायवीय, सीधा, सिलेंड्राकार, शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोमयुक्त अथवा अरोमिल, भूमिगत जैसे आलू, सोलेनम, ट्यूबरोसम। पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी, संयुक्त, पिक्षाकार, अनुपर्णी, जालिका विन्यास। पुष्पी अभिलक्षण, पुष्पक्रम एकल, कक्षीय, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में, फूल उभयलिंगी, त्रिज्य सममिति, कैलिक्स 5, वायदल, संयुक्त, दीर्घ स्थायी, कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास, कोरोला 5 दल, संयुक्त, कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास, पुमंग 5, पुंकेसर, दललग्न, जायांग, द्विअंडपी, युक्तांडपी, तिरछी अंडाशय, ऊर्ध्वावर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडासन, फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड, फल संपुट अथवा सरस, बीज, भ्रूणपोषी अनेक और पुष्पी सूत्र, ये आप देख सकते हैं। इसका आर्थिक महत्व है, इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले, मिर्च, औषधि, बेलाडोना, अश्वगंधा, धूमक, तंबाकू, सजावटी पौधे, पिट्यूनिया के स्रोत हैं। 5.9.3 लिलियेसी, इसे प्रायः लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री और सारे विश्व में पाए जाते हैं। कायिक अभिलक्षण, दीर्घकालिक, शाख सहित भूमि गत, शल्ककंद, कार्म, प्रकंद, पत्तियां अधिकांश आधारी, एकांतर, लंबे, अनुपर्णी, समानांतर, शिराविन्यास। पुष्पी अभिलक्षण, पुष्पक्रम एकल, ससीमाक्ष, प्रायः पुष्पछत्र, फूल, त्रिज्या सम्मिति, द्विलिंगी, परिदलपुंज, परिदल 6, 3+3, प्रायः नली से जुड़े हुए, कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास, पुमंग 6, पुंकेसर 3+3, दल लग्न, जायांग, त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठी,
की है, जिसमें अनेक बीज स्तंभी बीजांडासन फल संपुट कभी कभी सरस बीज भ्रूणपोषीय पुष्पी सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं। आर्थिक महत्व, इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी ट्यूलिप गैलियोसा, औषधि के स्रोत एलो, सब्जियां एस्पैरगस तथा कॉल्चिसिन यानी कॉल्चिकम ऑटमनल देने वाले होते हैं। यहाँ आप चित्र भी देख सकते हैं। सारांश, यदि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। यह आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इनमें मूल तंत्र मूसला अथवा झकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जबकि एक बीजपत्री पादपों में झकड़ा मूल होती है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिक सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती है। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। तने के आकार की अभिलक्षण जैसे गांठों तथा पोरियों की उपस्थिति, बहुकोशिक रूम तथा घनात्मक प्रकाशनुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तने भी विभिन्न कार्यों से जैसे खाद्य संचयन, कायिक प्रवर्धन तथा विभिन्न परिस्थितियों में संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। पत्ती तने की पार्श्वी ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जाती रूप में विकसित होती है। यह रंग में भरी होती है तथा ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरिका के कटाव में सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती है। पादपों के अन्य भागों में पाती पत्तियां भी अन्य भागों जैसे प्रतान चढ़ने के लिए तथा शूल संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। पुष्प एक प्रकार के प्ररोह का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में विन्यस्त रहते हैं। यह संरचना ज्यामिति अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप और जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। इसका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्र सहित किया जा सकता है। अतः एक पुष्पीय पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण संक्षिप्त रूप पुष्पीय चित्रों पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बच्चों, आप लोगों को कैसे लगी ऑडियो बुक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी हेल्प की हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।